एक सफ़र एक्चुअली लंबा है। मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो में दिखाने का कोशिश करूंगा, जो अल हसन से लेके अकबा इंडस्ट्रियल एरिया तक है। ये सब छोटा छोटा जॉर्डन का फैक्ट्रीज़ है और थोड़ा थोड़ा दूर में गांव भी है। देख सकते हो दोस्तों, वो दूर में एक छोटा सा कस्बा दिखाई दे रहा है, एक गांव, और वो भी थोड़ा सा माउंटेन के ऊपर में। तो मैं जूम करके दिखाने का कोशिश करूँगा दोस्तों। दूर से देखने के बाद ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे सरवाइव करना कैसे पॉसिबल है, बट यहाँ का लोग ऐसे ही गांव बना के रहता है। दोस्तों इंसान अगर मेहनत करे तो इम्पॉसिबल चीज़ को भी ऊपर वाला पॉसिबल बना के देता है। और देख सकते हो यहाँ का मिट्टी देख के लगता नहीं है कि इधर में कुछ खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर हो सकता है, बट यहाँ का लोग यहाँ पे देखो फूल गोभी उगाया। दोस्तों जॉर्डन के अंदर में बिना फोर व्हीलर का चलना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि इधर में गर्मी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि टैक्स के कारण अदर कंट्री से थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे प्राइस है। यहाँ पे फोर व्हीलर थोड़ा महंगा ही बिकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग फोर व्हीलर यूज़ करता है। दोस्तों ये है अम्बन सिटी का एक झलक, और देख सकते हो सिटी शुरू हो गया है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा बिल्डिंग, थोड़ा हरियाली दिख रहा है यहाँ पे, और सिटी को डेवलप किया है। दोस्तों ये है अम्मान सिटी, और ये जॉर्डन का कैपिटल है, और देख सकते हो आप लोग यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स और बहुत सारे ऑफिसेस, जैसे हमारा दिल्ली में या जो बड़ा जो स्टेट है, जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे दिखाई देगा। एक साथ में दो बिल्डिंग्स है, मे बी कोई ऑफिसेज वगैरह होगा, और एक साथ में दोनों मर्ज किया हुआ है। देख सकते हो कितना खूबसूरत बनाया। और दोस्तों ये है जॉर्डन का हावड़ा ब्रिज देख सकते हो आप लोग कितना अच्छे से बनाया है, और यहाँ पे गाड़ी बहुत स्पीड से चल रहा है। एक्चुअली दोस्तों सॉरी, इस ब्रिज का नाम मुझे पता नहीं है, तो इसके लिए मजाक से मैं कह दिया, तो मे बी इस ब्रिज का कोई नाम होगा, और अच्छे से डेवलप किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इस सिटी में आने के बाद मुझे थोड़ा कोलकाता का याद आ रहा है, क्योंकि देख सकते हो आप लोग दोस्तों, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोलकाता का मेट्रो जो है वहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। कितना बड़ा सुरंग है, और ऊपर से पीछे एक लंबा वाला ब्रिज मिल गया हावड़ा ब्रिज की तरह। दोस्तों अम्बान सिटी से लेके डेड सी तक थोड़ा ही डिस्टेंस है, तो आगे का जो फुटेज है वो मैं डेड सी का आप लोगों तक शेयर करूँगा। दोस्तों थोड़ा नज़दीक नज़दीक में जो है होटल्स यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है डेड सी एरिया यहाँ से शुरू होने वाला है, तो देख सकते हो आप लोग थोड़ा खाली खाली लग रहा है, और आगे में भी होटल्स बहुत सारे मिल जाएगा। तो जैसे ये एक सामने होटल्स है, ये होटल देख सकते हो आप लोग, तो ऐसा होटल बहुत सारे डेड सी के साइड में मिल जाएगा, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है। अब दोस्तों ये डेड सी का एरिया आ गया है, चारों तरफ में कांटों का पेड़ और केले का बाग दिखाई देगा यहाँ पे। दोस्तों ये टूरिस्ट स्पॉट है, और डेड सी के किनारे किनारे होटल भी दिखाई देगा, और ज़्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट आता है, तो इसके लिए जो है देख सकते हो ये सामने वाला होटल है, मस्जिद है। डेड सी एरिया का मिट्टी थोड़ा रेड कलर का है, और यहाँ पे ज़्यादातर सॉल्टी वाटर है, नमक वाला पानी है, तो इसके लिए ऐसा कलर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे कितना टाइम तक गाड़ी चल ही रहा है, तो अभी तक देखो डेड सी का एरिया ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आगे हम लोग कहीं पे रुकेंगे कुछ खाने के लिए और फ़ोटो खींचने के लिए। दोस्तों डेड सी एरिया का मिट्टी थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, देख सकते हो आप लोग, कलर थोड़ा डिफरेंट है और लेयर बाई लेयर लगता है, पानी का कलर भी थोड़ा सा अजीब है, और दोस्तों सेम स्काई ब्लू टाइप का लग रहा है पानी।
लोग कहते हैं इधर का पानी इतना थिक है कि कोई डूबता नहीं है। पहाड़ के ऊपर में एक छोटा सा पहाड़। अरे बाप रे, स्लिप करेगा तो एकदम पानी। दोस्तों ये डेड सी साइड एरिया का एक होटल है और हम लोग इधर में खाएंगे कुछ, तो चलिए अंदर में जॉर्डन का जो भी रेसिपी है वो आप लोगों तक शेयर करूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे एक रेसिपी है, सावरमा बोलता है उसको, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा खाता है वही। और यहाँ पे एक ब्रेड को पैक करके एक सैंडविच जैसा बना के देता है, उसको ज़्यादातर लोग पसंद करता है। तो हम लोग लेने वाले हैं रोटी और फिलाफिल बोल के एक खाने का चीज़ है वो, और थोड़ा उसके साथ दही टाइप का देता है। तो चलिए देखते हैं कैसा टेस्ट है। बारह बजे हम लोग निकले हैं तो अभी बज रहा है कि यहाँ पे 4 बजने वाला है। हम लोगों का खाना मिल गया और हम लोग डेड सी एंड पे खड़े हैं। डेड सी यहाँ तक ख़त्म है और आगे आकाबा की तरफ में हम लोग रवाना देंगे और रास्ते में कहीं पे बैठ के हम लोग खाना खा लेंगे। ये डेड सी का लास्ट पोर्शन है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ तक डेड सी ख़त्म है। सामने में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, लगता है पहाड़ काट के ही रास्ता बनाया होगा। ये जॉर्डन का फूड फिलाफिल और वो है जॉर्डन का रोटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये है जॉर्डन का एक झलक, आप लोग देख सकते हो। और शाम के टाइम है, अभी थोड़ी देर में सूरज डूबने वाला है। सपोर्ट करिए कि आगे का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। मैं सेपरेटली एक डेड सी का वीडियो बनाने का बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूं, बट टाइम नहीं हो पा रहा है दोस्तों। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑल, थैंक यू सो मच। रोशनी से भरे 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 नैना तेरे छू के बोले ना छूना मुझे।